आज हम लोग बात करते हैं कमिटमेंट एंड लव, ये दोनों में से बेस्ट क्या है। मेरे लिए कमिटमेंट बहुत बढ़िया है, लव जो है वो हर एक इंसान को आएगा जाएगा। पक्षी मतलब कोई भी जानवर है, सबको लव आएगा जाएगा, लेकिन मैं कमिटमेंट बात कर रहा हूँ वो इंसान ही कर सकता है। मतलब है कुछ प्राणियाँ हैं जो कमिट करते हैं जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहता है, राइट। मैं सिर्फ लवर हस्बैंड एंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप में बात कर रहा हूँ, अपना ब्रदर सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। कहीं पे भी आप एक कमिट करते हो रिलेशनशिप के लिए, लास्ट तक उसको अड़े रहना। उस तरह का एक रिलेशनशिप कैसे जाना है, स्वर्ग कैसे बनाना है, उसके बारे में। कोई भी किसी से आप करते हो ना, कमिट कर दो, फिर उसको छोड़ना नहीं। उस तरह का एक रिलेशनशिप मान के चलो तो फिर लाइफ ऐसे चलेगा। मैं एक चार एग्जाम्पल देता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मेरी टीम में एक मेंबर्स था जो उनके और मेरा मुझे मालूम था ये आगे जाके हमारा जमेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारा मैं जो एक लिस्ट रखा हूँ कि इस तरह का पर्सन सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए फिट होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं इनके ऊपर साथ में रहूँगा, इनके पास नहीं रहूँगा, इनसे दूर रहूँगा, ऐसा मेरे पास लिस्ट है। तो मैं वो कहीं पे भी आ नहीं रहते, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल काम के लिए हमें काम करने के लिए हमेशा अपना सिस्टम वाले मिलता नहीं है, राइट। रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए मिल सकता है, लेकिन काम के लिए तो प्रोफेशनल्स हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिस्ट में रहेंगे। तो मैंने उसके लिए रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा उनका जमेगा नहीं। पहले पता चला, मेरे टीम को बोला कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, ये हमें प्रॉब्लम होगा। तो बिल्कुल मेरा जजमेंट सही निकला कि उनका कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कुछ गलत था। तो मैंने बोला हमारा जमेगा नहीं, मैं छोड़ दिया। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उनको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मुझे आके क्वेश्चन पूछने चालू हैं कि क्या हुआ सर, अभी वो आपकी टीम में नहीं है, क्या हो गया, ये सब पूछे। उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, वैसा बोला। मैं बोला सब सुन के लिया, ओके। तो मतलब उन्होंने जो भी बोला होगा वो सही होगा, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलते हो सर? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जो भी मेरा टीम में है उनका और मेरा रिलेशनशिप अलग है, और मैं इसको और गंदा करके पब्लिसिटी, मीडिया, सबको बताना, दोस्तों को बताना, इनको बताना मैं नहीं चाहता हूँ। जो भी है हमारा बीच में है, उनका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि वो ये चीज़ें बाहर नहीं बताएंगे, इसको बताना है। उनको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वो उतना मेच्योर नहीं है, ना वो कल्चर है, ना उसका वो मेच्योरिटी है, वो मैं समझ सकता हूँ। वो तो मुझे पहले से मालूम, तो ऐसे करेंगे। तो उन्होंने जो भी मिला, आपको बोनस मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, मेरे घर के अंदर की, मेरे टीम के अंदर, मेरे कंपनी के अंदर जो काम बात हुआ उसका आपको बिना बोनस मिला। और जो भी उन्होंने बताया वही सही आप पकड़ो, क्योंकि उसके ऊपर मैं ना क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ, सही गलत कुछ नहीं देने वाला हूँ। क्लियर बोल दिया मेरे, जिन्होंने आके मुझे ये सब पूछ रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो सर, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला आपके बारे में, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ख़त्म। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, एक बार कमिट किया फिर उससे बाहर नहीं आना, राइट। कमल जी भी, कमल अपना एक्टर कमल, उन्होंने भी एक बहुत सारे सिचुएशन मिला। उन्होंने तीन रिलेशनशिप अभी तक, तीन शादियाँ की, शादी मतलब 2-11 रिलेशन था, बट स्टिल उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर आके अपना वाइफ के बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में कभी भी कोई मीडिया पे आपको गलत नहीं मिलेगा। उनको जमा नहीं है, अलग हो गए हैं, लेकिन मीडिया को बुला के पूरा पब्लिसिटी उनके बारे में गंदा करना, ये कैसे हो गया? ऐसा आप कोई करते हो तो आपका नेचर ऐसा है, आपका कल्चर ऐसा है, आपकी फैमिली ऐसा है, यू नो, ये सब फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि अच्छा फैमिली की कल्चर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, ये सब झंझट में पड़ते नहीं हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, मेरे एक स्टूडेंट है जो जिनको मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, और गुस्सा मतलब कुछ ऐसा, कुछ एंटू सेंटू कुछ भी करते रहते हैं। मैं उनको बहुत ही, साउथ से है, मदुरई से एक लड़की है, योगा एंड माइंड पावर का ट्रेनिंग देती है। उनके फॉलोअर बहुत है, 50-60 उम्र वाले, उनको गुरुजी बोलते हैं वो लड़की को। वो लड़की मुझे गुरुजी बोलती है। एनीवे, सो ये मैं हर बार उनको गुस्सा से बात किया हूँ, हर बार उनके अंदर हमेशा, लेकिन उन्होंने मुझे गुरुजी मान लिया और कमिट किया कि मैं कभी भी, यही मेरा गुरु है, मतलब योगा, माइंड पावर, ये सब चीज़ में वो नंबर वन है। लेकिन फाइनेंस, बिजनेस, कोचिंग, इसके लिए वो मुझे गुरुजी मानती है। तो मैं ये मुझे बाद में जब उनका टेस्टिमोनियल आया, वीडियो आया, एक दो दिन में मैं वीडियो आपको डालूंगा,
मुझे अटैचमेंट लिया तभी पता चला कि वो कमिट की है कि ये मेरा गुरुजी है, ये कुछ भी मुझे डांटे, मुझे मेरे नफरत करें, कुछ भी करें, मैं इनको कभी भी, उनका कमिटमेंट आप देखें, उन्होंने कमिट किया तो इसे मैं हटना नहीं है, उस तरह का। मुझे बाद में मैं बहुत पिघल गया, मतलब बहुत मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं हमेशा इसके साथ बहुत ही रूड बिहेव किया हूँ, लेकिन उन्होंने एक गुरुजी माना है और वो उसे हट नहीं रही है। कमिटमेंट, रिलेशनशिप का कमिटमेंट है ना, एक बार हो गया। एक थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, मेरा स्टूडेंट जो मेरे पास कोचिंग लेते हैं, ही पेड फीस फॉर इट, लेकिन अचानक उनको क्या बुरा लगा, कैसे लगा पता नहीं, उन्होंने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। मेरे मैसेज के लिए दो दिन तीन दिन रिप्लाई का वेट करते हैं लोग, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे ऊपर पता नहीं क्या गुस्से में है, लेकिन मैं उनको बहुत आई लव दैट पर्सन वेरी मच, तो मैंने उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। मेरा जो जो काम करना है, मेरे ट्रेनिंग का चीज़ें उनको बताना, मैं बताते रहता हूँ, उनका रिप्लाई आना था। मेरा कमिटमेंट है कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मेरा कमिटमेंट है, आखिर तक मैं उनके साथ रहूँगा। ओके, वो मुझे रिप्लाई करें, मेरे साथ बात करें, नहीं करें, क्योंकि दैट इज़ माई कमिटमेंट। आई कॉन्ट से दैट आई लव हिम, बट आई कमिटेड दैट कभी लास्ट तक मैं उसके साथ में रहूँगा, उनके बिजनेस में, उनके काम में आगे बढ़ने तक लास्ट में रहूँगा। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है, उनका जो जितना भी कॉमन फ्रेंड्स है, मेरा भी फ्रेंड्स है, लेकिन अभी तक कभी एक बार भी मैंने उनको जाके पूछा नहीं कि वो क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने भी वो कॉमन फ्रेंड से बोले होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो कॉमन फ्रेंड्स भी मेरे से कभी पूछे नहीं, वो अलग बात है। देखो एक किस तरह का बढ़िया रिलेशनशिप है ना, क्योंकि एक कमिटेड है कि मैं उनको मान लिया मेरा फ्रेंड्स है, तो इन हमारे बीच में जितना भी झगड़ा हुआ है, मैं किसी को भी बता के उसको मैं गंदा करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और मैं भी ऐसा कमिटेड हूँ कि एक बार उन्होंने आया तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसको गंदा करके मैं बाहर पब्लिसिटी नहीं करना चाहता हूँ। एक एक लवर, एक एक हस्बैंड वाइफ, एक एक फ्रेंड्स, अगर इस चीज़ को ठान लिया ना कि ये जो रिलेशन है मैं और किसी को बताऊंगा नहीं, ये हमारे बीच में जितना भी लफड़ा होगा, देखिए कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो गया, बहुत सीरियस है, काउंसलिंग चाहिए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन कंप्लेनिंग करते रहना उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, उनको जाके ये किया, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अगर मैं जो बता रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आया तो बेस्ट है, ठीक है। रिलेशनशिप में कमिट करो, और एक साथ हो गया तो बाकी किसी के साथ बताऊंगा। एक केस स्टडी है जिसके ऊपर हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके, फिर वाइफ हर हजारों लोगों को, हमेशा रिलेशनशिप ऐसे होता है, वाइफ जाके पूरा दुनिया को बताती है इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, हस्बैंड जाके बताते इसने क्या किया, सब तक उन्होंने अपना लव लाइफ, मैरिज लाइफ को नर्क बना देते हैं। फिर जब वो वापस आएंगे ना, लोग उसको टॉन्ट मारते रहेंगे, या उनको उन्होंने जो बोला इन्होंने याद आते रहेगा। तो ये सब कचरे में ना पड़े तो ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा। ओके, सो लव इम्पॉर्टेंट नहीं है, कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लव के लिए नहीं है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सब जगह पे अगर आपने ये ठान लिया कि आई कमिट, मैं हमारे जो रिलेशन है ये पवित्रा है, पवित्रता है, इसको मैं, सॉरी मुझे हिंदी इतना आता नहीं है, पवित्रता है, इसको मैं और ख़राब नहीं करूँगा, इसको गंदा नहीं करूँगा, ये हमारे बीच की रिलेशनशिप है, ऐसा लेके चलेंगे, ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगा।